हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टेप क्लियर कंसेप्ट। आज की जॉब की अपडेट, एलपीएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर की तरफ से। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, यहाँ आपको डेली जॉब के रिगार्डिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। चलिए बात करते हैं पोस्ट नेम की तरफ। तो पोस्ट नेम में हेवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर, कुक, फायरमैन एंड कैटरिंग अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट निकली हुई है। जिसमें रिक्रूटमेंट टाइप की बात करें तो परमानेंट जॉब्स है, एंड रिक्वायरमेंट कैटेगरी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब रहने वाली है। सुनेम भाई, सैलरी की बात करें यहाँ तो हेवी व्हीकल ड्राइवर ए के लिए आपको 19,900 से लेकर 63,200 यहाँ लेवल टू के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है। लाइट व्हीकल ड्राइवर ए के लिए आपको सेम सैलरी है, कुक के लिए भी आपको सेम सैलरी है, और फायरमैन ए के लिए भी आपको सेम सैलरी है। सिर्फ कैटरिंग अटेंडेंट के लिए आपको 18,000 से लेकर 56,900 लेवल वन के अकॉर्डिंग यहाँ सैलरी प्रोवाइड होने वाली है। उस नेम वाइज वैकेंसी की बात करें यहाँ तो हेवी व्हीकल ड्राइवर के लिए आपको 2 वैकेंसी है, लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए 2 वैकेंसी है, कुक के लिए 1 वैकेंसी है, फायरमैन ए के लिए आपको 2 वैकेंसी है, एंड कैटरिंग अटेंडेंट के लिए आपको 1 वैकेंसी है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जरूर इस फॉर्म को फिलअप करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहाँ से जाकर अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ तो हेवी व्हीकल ड्राइवर ए के लिए आपको SSLC SC मैट्रिक 10 से आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें 5 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है, एंड HVD लाइसेंस भी आपको यहाँ लगने वाला है। लाइट व्हीकल्स के लिए एंड हेवी व्हीकल्स के लिए आपको LVD लाइसेंस लगने वाला है एंड HVD लाइसेंस लगने वाला है। लाइट व्हीकल के लिए भी आपको सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, SSLC SSC मैट्रिक 10 पास से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है LVD लाइसेंस का। कुक की बात करें तो SSC मैट्रिक 10 पास विथ 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। फायरमैन ए के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, SSLC SSC मैट्रिक 10 पास से आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटरिंग अटेंडेंट ए के लिए भी आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, इसमें भी सेम पोस्ट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, SSLC SSC मैट्रिक एंड 10 पास से आप अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट की बात करें यहाँ तो द अपर एज लिमिट ऑफ 35 ईयर है फॉर ऑल पोस्ट के लिए। LPSC ड्राइवर, कुक, फायरमैन एंड कैटरिंग अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2021। रिलैक्सेशन की बात करें आपको तो रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें यहाँ तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न एग्जाम एंड स्किल टेस्ट के बिना पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें यहाँ तो इंपॉर्टेंट डेट ऑफ नोटिफिकेशन 24/8/2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 6/9/2021 इसकी लास्ट डेट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर देना, आपके एक शेयर की वजह से ये नोटिफिकेशन किसी के काम आ सकती है।